पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था जीवों के जनन के बारे में, आज पुनः उसी अध्याय में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सबको सुबह का नमस्कार। विवेक कुमार राय, कोरोना वायरस के चलते हमारा देश क्या पूरा विश्व ही इस महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन जारी रखा गया है, जो कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ने में सहायता करेगा। इसके चलते विद्यालय हमारा चल नहीं पा रहा है। इसके लिए हमारा स्कूल नवल अकाडमी अपने चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे जो स्कूल में पढ़ाया जाता रहा है वही चीज़ आपको घर बैठे आपको प्रोवाइड करा रही है। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से दूर न रहे इसलिए नवल अकाडमी हमारा आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहा है कि आप घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई भी करें, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, आपको उबन महसूस ना हो। इसी क्रम में हम आगे अपने चैप्टर अध्याय को, जो जीवों में जनन है, उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको हम अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही जीव अन्य जीव को पैदा कर सकता है। एक ही जीव अपने समरूप दूसरे जीव पैदा करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है कि इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर और एक मादा का होना निश्चित होता है। इसमें संतान एक दूसरे के समरूप नहीं होते, इसमें संतान एक दूसरे के समरूप नहीं होते, जबकि अलैंगिक जनन में संतानें एक दूसरे के समरूप होती थी, क्लोन होती थी। आज आपको हम बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा जनन चाहे इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों का, इसकी परिभाषा ले लें, इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक नर और एक जनक मादा होती है, एक जनक नर और एक जनक मादा,
मादा होता है। इसमें संतानें समरूप यानी क्लोन इसमें संतानें एक समान नहीं होती, तो इसमें समरूप नहीं होती हैं, नहीं होते हैं, इसमें संतानें समरूप नहीं होती हैं। लैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या होता है? जैसा आपने देखा था कि अलैंगिक जनन में कि एक ही जीव अपने समरूप यानी अपने समान दूसरे जीव पैदा करता है, उसमें एक ही जीव था, इसमें दो जीव होंगे यानी इसमें दो विपरीत जनक होंगे, अर्थात एक नर और एक मादा होगा। नर युग्मक जैसे ये है, नर युग्मक ये है मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर और मादा, इसके नर युग्मक मादा युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक को नर युग्मक को नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक यानी इसको कहते हैं यानी यह और यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज, युग्मनज बनाते हैं यानी इसको बोलते हैं जायगोट, इस गेमिट को बोलते हैं, इसको कहते हैं मेल गेमिट या स्पर्म, इसको कहते हैं फीमेल गेमिट या ओवम, ओवम इसके साइज में ओवम बड़ा होता है, स्पर्म के साइज में ओवम क्या होता है? बड़ा होता है, ओवम स्पर्म के साइज में बड़ा होता है। युग्मनज ये अब यहां से ये जायगोट डेवलप करके एक नए दूसरे जीव का निर्माण करता है यानी दूसरा जीव इस जायगोट के डेवलपमेंट से बनता है, इतना हम लोग जान लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें क्या होती है? विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं और ये विभिन्नताएं हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं और इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक। अब आगे हम देखेंगे
कि अलैंगिक जनन का वर्गीकरण या अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन के कितने भेद होते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, आपको डायग्रामेटिक मैंने उसका वर्गीकरण बताया हो पिछले लेक्चर में, लास्ट समय में आपको मैंने वो लेक्चर दिया था। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कुछ बातों को कहें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे हम चालू करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती हैं, कुछ विधियों के बारे में हम आपको बताएं कि ये विधियां होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो उस विधि में सबसे पहले हम भी देखेंगे द्विविभाजन, यानी पहला विधि हम देखेंगे विभाजन। विभाजन पहली विधि हम देखेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। द्विविभाजन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। द्विविभाजन पहला विभाजन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी जीव होता है यानी जो भी जनक होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार के विभाजन कहते हैं द्विविभाजन। ये विभाजन चार प्रकार से हो सकता है। पहला होता है आपका सरल विभाजन जो अमीबा में पाया जाता है। दूसरा होता है लंबवत विभाजन जो युगलिना में पाया जाता है। तीसरा होता है अनुदैर्ध्य विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन। चौथा होता है तिर्यक विभाजन जो ओपेलाइना में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये द्विविभाजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इस प्रकार के विभाजन में यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव को जन्म देता है, द्विविभाजन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव यानी नए संतत का निर्माण करता है। हम देखने जा रहे हैं कि अलैंगिक जनन, पहले देखें इसका परिभाषा लिख लें। सबसे पहले देखें इस प्रकार के अलैंगिक विभाजन में इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव
अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां 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 आने पर अनुकूल परिस्थितियां आने पर दू नए संतति का नए संतति का निर्माण आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग नई नई संतति का निर्माण करते हैं। ठीक, निश्चित नए संतत जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम द्विविभाजन देख रहे हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग नए संतत जीव का निर्माण करता है संतत का निर्माण करता है। ये द्विविभाजन चार प्रकार से होता है। पहला सरल द्वि विभाजन सरल द्वि विभाजन सिंपल बाइनरी फ्यूजन सिंपल बाइनरी फ्यूजन सिंपल बाइनरी फ्यूजन
सरल द्विभाजन, पहला हुआ सरल द्विभाजन, दूसरा लंबवत द्विभाजन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइमॉर्फिज्म, तीसरा अनुदैर्ध्य ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, चौथा होता है तिर्यक द्विभाजन, तिर्यक का इंग्लिश क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विभाजन भी चार प्रकार का होता है। द्विभाजन भी कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला सरल द्विभाजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लंबवत द्विभाजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, अनुदैर्ध्य विभाजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, तिर्यक विभाजन, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। इस प्रकार से हमने देखा आलैंगिक जनन के बारे में। पहला द्विविभाजन, द्विविभाजन यानी इस प्रकार के आलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग नई संतति का निर्माण करता है। ये कैसे होगा? कई प्रकार से हो सकता है। पहला सरल द्विविभाजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लंबवत द्विविभाजन, अनुदैर्ध्य द्विभाजन, तिर्यक द्विभाजन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभाजन भी चार प्रकार से होता है। अब देखें हम सरल द्विभाजन क्या होता है, लंबवत द्विभाजन क्या होता है। नोवल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।
अब हम आते हैं कि सरल द्विभाजन क्या होता है। सरल सरल द्विभाजन, सरल द्विभाजन सरल द्विभाजन क्या होता है? सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। ये विभाजन सरल द्विभाजन, पहला सरल द्विभाजन, यह कैसे भी विभाजन हो सकता है, यह जीव में कैसे भी विभाजन हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यह ऐसे होगा ऐसे होगा, कैसे भी हो सकता है विभाजन, यह विभाजन कैसे भी हो सकता है। यानी इस प्रकार के विभाजन को कह सकते हैं कि यह विभाजन अनियमित प्रकार का होता है, यह विभाजन अनियमित प्रकार का होता है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। एक लाइन इसको लिखे, यह विभाजन अनियमित व अनिश्चित, अनियमित व अनिश्चित प्रकार का होता है। इसका एकमात्र एग्जांपल है अमीबा, अमीबा। इसका एक एग्जाम्पल होता है, यह विभाजन अनियमित व अनिश्चित प्रकार का होता है। यानी सपोज करो, आप सपोज करिए यह ए प्रकार का अमीबा है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, केंद्रक है इसका। अब इसका विभाजन हुआ, इसका बढ़ जाता है, माइटोसिस डिवीजन हुआ।
संतत के अंदर। संतत जीव इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, ये डीएनए है आपका, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। यह डीएनए इस केंद्रक के साथ दो भागों में डिवाइड हुआ, यहाँ पे डाइपोल आपका, यहाँ पे आपके जो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स आपके जो है ये किनारों के हो जाते हैं और विभाजन यहाँ से चालू होने लगता है। यहाँ पे संतत केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक संतत जीव का निर्माण होता है, यानी दो संतत जीव का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल है अमीबा का। इसमें इस विभाजन के दौरान जनक मरता नहीं है, जनक का शरीर मरता नहीं है, अनियमित प्रकार का होता है, जनक का शरीर मरता नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे कि लंबवत द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल द्विविभाजन क्या होता है। अगला हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल द्विविभाजन क्या होता है। दूसरा लंबवत लंबवत द्विभाजन ऐसा विभाजन जो सीधे खड़ा होता है, इसको कहते हैं लंबवत। कोई चीज हो उसको बीच में से पार दीजिए, इसको कहेंगे लंबवत। ठीक, लंबवत द्विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें लंबवत द्विभाजन पहले कशाविकाओं में होता है और फिर कशाविकाओं में होता है और फिर केंद्र विभाजित होता है और लास्ट में ये विभाजित होकर दो नए संतत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का विभाजन लंबवत होता है,
लंबा होता है, इसमें जनक जीव, जनक जीव के कशाभिकाव में विभाजन पहले होता है, पहले होता है और फिर विभाजन केंद्रक का होता है, केंद्रक का होता है। इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार से हमने देखा अभी सरल द्विभाजन और लंबवत द्विभाजन। अब हम देखें अनुदैर्ध्य द्विभाजन। अनुदैर्ध्य द्विभाजन इसके बारे में हम केवल एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि अनुदैर्ध्य विभाजन केवल पैरामीशियम और डायटम्स में होता है, पैरामीशियम और डायटम इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम और डायटम्स। इसी तरह से लास्ट है, ये तीसरा था, लास्ट है तीसरा, चौथा है आपका तिर्यक विभाजन। तिर्यक विभाजन, यह विभाजन तिर्यक द्वि विभाजन, इसका एग्जाम्पल है, इसका तिर्यक विभाजन का एग्जाम्पल है ओपेलाइना और सीरेटियम। इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना और सीरेटम, ओपेलाइना और सीरेटम, ओपेलाइना और सीरेटम, सीरेटियम, सीरेटियम, ओपेलाइना और सीरेटियम, सीरेटियम। इस प्रकार से हमने देखा बाइनरी फिजन द्विभाजन। आज इतना ही। कोरोना वायरस के चलते आज पूरा देश क्या पूरा विश्व लॉकडाउन चल रहा है। इस महामारी के चलते अपना स्कूल या कोई स्कूल अन्य भी नहीं चल रहे हैं। हमारा स्कूल नोवल अकाडमी अपना एक चैनल क्रिएट करके सभी बच्चों को पहले चैप्टर से ही छोटे छोटे पार्ट्स देना चालू कर दिया है। सभी बच्चों से ये आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने कुछ वाक्य को प्रस्तुत करें। अगर आपको कोई दिक्कत फंसती है तो आप हमारे नंबर पे
इस नंबर 72 33 96 70 99 पर कॉल करें और अपने सुझाव प्रोवाइड करें।